हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ ट्यूटर। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की भुजा और कोण को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं और उनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कुछ फंक्शन से डिनोट करते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। फिर हमने इसमें रिलेशन पढ़ा कि ये जो साइन थीटा है वो समकोण त्रिभुज में हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये कोण बी पर क्या है 90 डिग्री समकोण है, इसके सामने ये कर्ण है और ये लंब है क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष ले रहे हैं, तो ये लंब या इसको हम क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं और ये आधार भुजा है। ठीक है, तो हमने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी, वो क्या थी, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, बाकी तीन जो है वो उनके अपोजिट है क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कोट किसका उल्टा होता है, टैन का, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की इसके बारे में। और ये जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं और अगर हम इन दोनों की गुणा कर ले, मल्टीप्लाई कर ले तो हमें एक आंसर मिलता है। इसी तरह से कोस थीटा बराबर होता है एक बटे सेक थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर होगा एक बटे कोस थीटा और इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, एक के बराबर होगी। ऐसे ही टैन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा, एक बटे टैन थीटा और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, एक होगी। इसके अलावा टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है और कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, एक दूसरे की अपोजिट होते हैं, तो ये कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इन सब का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कुछ सवालों को हल करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें कोण बी क्या है वो 90 डिग्री, यानी कि कोण बी पर ये समकोण है। ठीक है, और हमें इसमें दो भुजाएं दी हुई है, ये दिया हुआ है ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है और सी ए जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमें इसमें क्या दी हुई है, दो भुजाएं दी हुई है। ठीक है, तीसरी भुजा हमें इसमें नहीं दी हुई है और इसमें हमसे पूछा है कि टेन ए का मान निकालना है, मतलब जब हम टेन ए निकालेंगे तो ये होगा और इसके लिए आधार ये होगा, लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। फिर हमें सेक सी का मान निकालना है, जब हम सी को कंसिडर करेंगे तो इसके लिए आधार बी सी होगा, ठीक है, और लंब जो है उसके लिए ए बी होगा, यानी कि आधार और लंब भुजा आपस में कैसे हो जाएंगी, बदल जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी, कर्ण दोनों में एक ही होगा क्योंकि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम पाइथागोरस लगाते हैं और जो हमारे पास बी सी है इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, सी ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मान रख देते हैं सी ए है हमारे पास 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 100 और ये 36, 36 से 100 गया 64, तो बी सी क्या हो गया अनुरूप 64, यानी कि 8 सेंटीमीटर निकल के आ गया हमारे पास बी सी। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टेन ए निकालना है, टेन ए, अब टेन ए या टेन थीटा, थीटा की जगह बस यहाँ पे ए आ गया, तो ये कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद भी नहीं हो रहा है तो आप बस क्या करेंगे, इसे लिख देंगे, बहुत छोटी सी चीज है, ये साइन है, ये कोस है और ये टेन है, तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे
आधार। तो tan a मतलब ये वाला, तो इसके लिए लंब क्या है ये और आधार क्या है ये, तो ये हो जाएगा 8/6 या इसको आप ऐसे लिखेंगे BC/AB यानी कि 8/6 यानी कि 4/3। तो tan a का मान क्या है 4/3 आ गया। अब दूसरे इसमें आपसे पूछा गया है कि sec c का मान बताइए। अब sec किसका उल्टा होता है भी, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। कोस क्या है हमारा आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा कर्ण बटे आधार। बस आपको फॉर्मूला याद होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वैल्यूज रखोगे और आंसर आ जाएगा। कर्ण क्या है हमारे पास एसी या सीए और आधार क्या है हमारे पास। अब आधार देखना है सिर्फ, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि थीटा कौन सा है ना, एंगल कौन सा है। तो यहाँ पे सेक सी ये वाला है हमारा, तो इसमें इसके लिए आधार क्या है हमारा BC है, तो आधार क्या है हमारे पास BC। अब मान रख देंगे AC हमारे पास 10 और BC है 8, तो ये आ गया आपके पास 5/4। तो आपके दोनों कोणों की वैल्यूज इसमें निकल गई है। आगे मूव करते हैं बच्चों, हमें दिया हुआ है कि जो tan थीटा है वो बराबर है 4/3 के, तो tan थीटा मतलब अनुपात दिया हुआ है हमें भुजा का। और इसमें हमें पूछा है कि साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, इन सब की वैल्यू हमें क्या करनी है निकालनी है। तो हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, बी पर ये क्या है 90 डिग्री का है, मतलब सी हमारा ये थीटा है, मान लेते हैं इसे थीटा हमारा यहाँ सी है। इसमें अनुपात दिया हुआ है मैंने tan थीटा का। अब tan थीटा होता क्या है, tan थीटा क्या होता है लाल बटे कक्का, तो लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब बटे आधार, यानी कि जो भुजा हमारी 4 है वो लंब है और आधार क्या है 3 है। तो हम इसे अलग अलग, क्योंकि ये अनुपात में कैसे मानते हैं 4 के और 3 के, कोई भी हम यहाँ पे ये मतलब मान लेते हैं k या x, a या b कुछ भी। तो लंब क्या है हमारा, ये हमारा थीटा है, इसके लिए आधार ये है और लंब ये है, तो लंब क्या है हमारे यहाँ पे 4 के और आधार क्या है हमारे पास 3 के। तो हमें दो भुजाएं पता है, ये कैसा है समकोण त्रिभुज है, तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस क्या कहती है, ए सी का स्क्वायर होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी हमें निकालनी है, बी सी हमारे पास है 3 के का स्क्वायर प्लस 4 के का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर बराबर हो गया 25 के स्क्वायर। तो ए सी क्या होगा अंडर रूट 25 के स्क्वायर यानी कि 5k, तो ये आपके पास आ गया है 5k। अब आपको सारी भुजाएं पता है, अब आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, या मतलब आपको सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। आप इसमें वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा यहाँ पे थीटा, ये है ना लंब, ये हमारे पास 4k और कर्ण क्या है 5k, यानी कि इसका अनुपात है 4/5 ऐसे की कैंसिल। सेकंड है इसमें हमारा कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या है हमारे पास आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास 3k और कर्ण क्या है हमारे पास 5k, तो ये हो जाएगा 3/5। थर्ड है हमारे पास sec थीटा, भाई sec थीटा तो हमें पता भी है वैसे भी, cos थीटा का उल्टा होता है, तो 5/3 ही होगा। और हम फॉर्मूला भी लिखेंगे, फॉर्मूला अगर आप बार बार लिखोगे तो ये आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। तो ये होगा कर्ण बटे आधार यानी कि 5k/3k, तो 5/3 ये इसका उल्टा होगा। अब हम निकालते हैं cosec थीटा, cosec थीटा किसका उल्टा होता है sin थीटा का, ठीक है। तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा 5k/4k यानी कि 5/4। और लास्ट हमारा बचा है कोट थीटा, कोट थीटा किसका होता है, कोट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो ये tan थीटा हमारा होता है क्या लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो tan थीटा का मान हमारे पास क्या था 4/3, ये हो जाएगा 3/4। तो बस हमें अगर एक ही अनुपात दिया हुआ है
तो हम पाइथागोरस लगा के उसकी जो तीसरी साइड है उसे भी निकाल लेंगे। और आपको सिर्फ क्या, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, डायरेक्ट आपको उसमें वैल्यू रखनी है, उसे सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए सी बी, ये सी पर समकोण है 90 डिग्री है, इसमें दो भुजाएं दी हुई है, एक तो हमें ए बी दिया हुआ है और एक बी सी दिया हुआ है और ये थीटा है हमारा, ठीक है। तो अगर हम थीटा के सापेक्ष देखेंगे तो ये क्या है, इसकी सम्मुख भुजा है लंब है और ये आधार भुजा है, तो इसमें हमें आधार भुजा दी हुई है और कर्ण दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस लगा के इसमें क्या निकाल सकते हैं, लंब भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हमारी पाइथागोरस से जाएगी। अब इसमें पूछा क्या है हमसे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है हमें, और दूसरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, मतलब इसमें हमें कोस और साइन की वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जो लंब है परपेंडिकुलर है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस लगाएंगे हम, तो वो होगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो कर्ण दिया हुआ है हमें 29 का स्क्वायर, बी सी दिया हुआ है 21 और ए सी हमें निकालना है, ठीक है। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर होगा ये इधर जाएगा माइनस, यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, हमें एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी प्लस ए गुना ए प्लस बी, एक बार इसे हम जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे और दोनों की गुणा कर देंगे, तो 29 माइनस 21 गुना 29 प्लस 21, तो 29 से 21 गया 8 ए सी स्क्वायर और ये हो जाएगा 50, तो ये हो गया हमारे पास 400। तो ए सी कितना होगा, 400 का रूट यानी कि 20, तो ये हमारे पास क्या निकल गया है, 20 निकल गया है। अब निकालते हैं हमें कोस और साइन चाहिए, तो पहले हम निकालते हैं कोस थीटा क्या होता है, भाई कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार हमारा ये और कर्ण है ये, यानी कि 21 बटे 29, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारे पास 20 और कर्ण है, ये निकल गया। अब हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले में क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा मतलब 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 29 बटे 20 बटे 29 का स्क्वायर, ठीक है। 29 हम इसमें क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 29 स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो 29 गुना 29 कॉमन आ गया, ये 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 का जब स्क्वायर करोगे आप तो ये आएगा 441, ये आएगा 400 और ये आएगा 841, तो ऊपर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 841 और नीचे भी 841 यानी कि ए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को हम जब प्लस करते हैं तो उसका मान 1 आता है। और बच्चों ये हम पढ़ेंगे आगे, फॉर्मूला है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे दो और फॉर्मूले बन जाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। अब माइनस में करते हैं इसे, ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे 29 का स्क्वायर, 29 कॉमन ले लिया यानी कि 841 तो कॉमन आ गया हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास 21 का स्क्वायर करेंगे हम तो 441 माइनस 400 तो ये हो जाएगा 41 बटे 441, ये किसका मान आया आपके, सेकंड वाले का है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अभी इससे पहले हमने सिर्फ एक ऐसे क्वेश्चन किया जिसमें सिर्फ हमसे या तो सेक थीटा पूछा या टेन थीटा पूछा या कोसेक थीटा पूछा, अब इन्होंने दो जो फंक्शन है उनको ऐड कर लिया या प्लस कर लिया, ठीक है। हमें अब इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेप आगे बढ़े, ठीक है, मतलब दो वैल्यूज को, दो फंक्शंस को ऐड करके या माइनस करके हमने वैल्यू निकालनी सीखी, प्रोसेस मेथड और बिल्कुल दोनों का सेम ही है, सेम कैसे, बस हमें क्या होनी पता होनी चाहिए, भुजाएं पता होनी चाहिए, अगर हमें भुजाएं साइड्स पता है तो हम एंगल उसका निकाल सकते हैं, कैसे भी एंगल निकाल सकते हैं, किसी भी फंक्शन में उसका एंगल निकाल सकते हैं। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी समकोण त्रिभुज, बी पर समकोण है ये, और इसमें हमें अनुपात दिया हुआ है ए बी अनुपात ए सी, ए बी अनुपात ए सी दिया हुआ है 1/√2, यानी कि हम इसे मान लेंगे जो ए बी है इसे के मान लेते हैं, मतलब 1 के, और ए सी जो है हमारा ये 2√2 हो जाएगा, एक्स की कुछ भी मान सकते हैं आप उसे। अब इसमें हमें दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा क्या करेंगे हम निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पे कोण ए, इसके सापेक्ष हमने देखा आधार ये है, लंब ये है और कर्ण हमारा ये है। तो ए सी बराबर क्या होगा हमारा, ये तो √2 है, √2 के का स्क्वायर, ए बी हमारे पास के स्क्वायर और बी सी हमें निकालना है। तो बी सी स्क्वायर बराबर होगा 2k² - k² यानी कि के स्क्वायर, तो बी सी क्या होगा के होगा, तो बी सी भी हमारा क्या निकल गया के, यानी कि ये और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब हमें पूछा है tan निकालना है हमें, तो tan a क्या होगा, tan a का मान निकाल लेते हैं पहले, tan a क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि k बटे k, तो k बटे k मतलब 1। अब इसमें हम रखेंगे 2 × tan a, tan a का मान क्या है हमारे पास 1/1 प्लस tan² a, तो tan का मान क्या है 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो 2/1 + 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो हमारा जो ये पहला मतलब क्वेश्चन दिया हुआ पूछा है कि 2 tan a / 1 tan² a का मान निकालो, तो वो क्या होगा हमारा 1 होगा। हमने इससे पाइथागोरस लगा के ये वैल्यू निकाल दी और फिर tan a का मान निकाला जो होता है हमारा लंब बटे आधार के बटे के, उसका मान हमारे पास 1 आया और हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी और उसका आंसर आ गया। सेकंड में हमसे पूछा है कि 2 tan a 1 - tan² a, बस इसमें माइनस है इसमें प्लस था, मान रख देते हैं 2 tan a का मान 1 निकल के आया हमारे पास, बटे 1 - tan a का मान 1 का स्क्वायर, तो 2/1 - 1 यानी कि 2/0। जब 0 से हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो क्या आता है, इंफिनिटी आता है, तो इसका मान हमारा क्या है इंफिनिटी आया। बिल्कुल आसान था, सिर्फ वैल्यूज रखी और आंसर आ गया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक त्रिभुज है क्यू पी ओ, इसमें जो कोण पी है वो क्या है हमारा समकोण है 90 डिग्री है, और इसमें एक भुजा दी हुई है हमारे पास ओ पी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ओ पी इन्होंने 7 सेंटीमीटर दिया है। इसके अलावा इन्होंने दिया है कि जो ओ क्यू है, ओ क्यू और पी क्यू, जब इन दोनों भुजाओं को हम आपस में माइनस करेंगे तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और हमें निकालना है साइन क्यू और कोस क्यू का मान निकालना है। ये जो हमारी समीकरण है ये जो मान दिया हुआ है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओ क्यू बराबर 1 + PQ, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसमें क्या पाइथागोरस, त्रिभुज क्यू पी ओ पे जब हम पाइथागोरस लगाएंगे इस त्रिभुज में, तो ये होगा हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो ओ क्यू, ओ क्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं 1 + PQ का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ओ पी क्या हमारे पास 7 का स्क्वायर। इसे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो a का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2a और pq बराबर होगा हमारे पास pq² + 49। pq² बराबर में है, दोनों पॉजिटिव है, इधर आएगा माइनस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2pq = 49, ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का यानी कि 48। तो pq आ गया आपके पास 48/2 यानी कि क्या है आपके पास 24। तो pq ये आपके पास क्या आ गया 24 आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। अब PQ आ गया तो आप OP निकाल सकते हैं, इस पहले समीकरण में रख लो इसका मान, तो समीकरण 1 से OQ बराबर क्या होगा PQ + 1 यानी कि 24 +
ए बराबर 25। अब देखो इस ये जो हमें कंडीशन दी हुई थी इसे भी फुलफिल करते हैं दोनों मान, एक का 24 है और एक का 25 है, और 25 से 24 गया एक बचा, ठीक है, तो वैल्यू हमारी बिल्कुल सही निकल गई है। अब इसमें हमसे पूछा है कि पहले आप बताओ साइन क्यू का मान क्या है, साइन क्यू मतलब इसका मान पूछा है। अब इसके लिए आधार हमारे पास ये है और लंब ये होगा, ठीक है, बस आधार और लंब को आपको पहचान करना है कि कौन सा होगा, तो साइन क्यू, और साइन होता क्या है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब ये तो इसका आधार है, तो लंब क्या होगा इसका, ये होगा यानी कि 7 बटे, और कर्ण क्या है, ये है हमारा कर्ण 25, 7/25। सेकेंड इसमें पूछा है हमसे कि कोस क्यू का मान बताओ, तो कोस क्यू क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण होता है। अब क्यू के लिए आधार क्या है हमारा 24 और कर्ण क्या है ये, तो कोस क्यू बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है हमारे पास 24 और कर्ण है 25, तो ये दोनों मान हमारे निकल गए, ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें जो रिलेशन दिया हुआ था इससे हमने क्या कर लिया, OQ बराबर कर लिया 1+PQ, हमें इसमें इन दोनों भुजाओं में रिलेशन दिया था और एक भुजा दी हुई थी, तो हमने बस उस रिलेशन को यूज करके दूसरी भुजा भी इसकी निकाल ली और तीसरी भी निकाल ली, ठीक है, तीनों भुजाएं आ गई, हमें साइन क्यू फॉर्मूला लगाया, कोस क्यू फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी और उसका आंसर आ गया। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 कोट थीटा बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a / 1+tan² a = cos² a - sin² a है या नहीं, मतलब ये इसके बराबर है या नहीं है। अब इन्हें बराबर निकालेंगे कैसे, इनमें हमें मान पता होने चाहिए थीटा के, थीटा क्या मतलब a का मान पता होने चाहिए, जब इसमें हम मान रखेंगे उसे सॉल्व करेंगे तो वो दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये हमें चेक करना है। और इसमें हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि 3 cot θ = 4, तो cot θ बराबर क्या हो जाएगा 4/3, तो हम क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पे ये समकोण है कोण बी पर, तो cot θ होता क्या है, cot θ क्या होता है, tan का उल्टा होता है, ठीक है, tan होता है लंब बटे आधार, तो cot क्या होगा आधार बटे लंब होगा, यानी कि 4 ही हमारा क्या है आधार है, तो 4 के और लंब हमारा 3 है यानी कि 3 के। अब हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता चल गई है, तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस से, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगाने पर, आप एग्जाम प्रॉपर ऐसे लैंग्वेज लिख के ही करेंगे, ठीक है, तो ये होगा हमारा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी कितना मेरे पास 4k² प्लस बी सी 3k² 4 16k² प्लस 9k² बराबर 25k², तो ये ए सी स्क्वायर आ गया, तो ए सी क्या होगा हमारा 5k, ए सी क्या निकल के आया हमारे पास 5k। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, तो tan a की वैल्यू चाहिए, cos a की वैल्यू चाहिए और sin a की वैल्यू चाहिए, तो tan a पहले हम निकाल लेते हैं, tan a क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि 3/4, 3k/4k यानी कि 3/4। दूसरा हमें चाहिए cos a, cos a क्या होगा, वो होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये होगा 4/5। और तीसरा हमें चाहिए sin a, sin a क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5, तीनों वैल्यूज हमें मिल गई है, ठीक है। अब हम इसमें रखते हैं, देखो ये है 1 - पहले हम इसका मान निकालते हैं 1 - tan² a, तो tan स्क्वायर ये मतलब 3/4² 1+tan² a यानी कि 3/4² तो ये हो जाएगा 1 - 3 * 9 4 * 16 1+9/16, आप इसे ऐसे में लेके हल करोगे तो 16 - 9/16 और 16+9/16, 16 से 16 गया तो 16 में से 9 गया बचा 7 और 16 * 9 = 25, तो इसका मान आया 7/25।
25। अब ये साइड लेते हैं, ये साइड है हमारी RHS लेते हैं, ये हमारी LHS की, ठीक है। तो ये कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए का मान हमने निकाला था, कोस ए का मान था 4/5 स्क्वायर स्क्वायर माइनस साइन का मान था हमारे पास 3/5 और इसका होल स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, 16 से 9 गया 7/25, यानी कि दोनों साइड क्या आ गई है, इक्वल आ गई है ना, 7/25 और 7/25, यानी कि इसमें क्या हो गया है, RHS बराबर होगी LHS। तो ये जो हमें स्टेटमेंट दिया था ये कैसा है, ये सही है, ठीक है। अगर हमें कोट का मान दिया हो 4/3 और हमें ये पूछा था कि ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, तो इस रेशो से जो मान निकल के आएंगे और जब हम इसे इनमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो दोनों का मान एक जैसा आएगा। बच्चों ये जो हमने अभी तक पढ़ा है इसके और क्वेश्चंस आप अपनी बुक से जरूर प्रैक्टिस करना, चित्रा पब्लिकेशन की एक्टिव मैथ बुक को भी आप रेफर कर सकते हो। आप जितने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी कमांड आपकी इन क्वेश्चन में बनती रहेगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो, और अपनी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।